सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन एम 360 वंस अगेन। दिस इज मासूम हेयर साइनिंग इन। देखो, इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कैसे कोई भी फंड हो, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट से बाइनेंस में हो या बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसके बारे में उसी बारे में इस वीडियो में आप जान पाओगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। और हाँ, यह हमारे टेलीग्राम चैनल, अगर आप नहीं हो तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो। कुछ चीज़ों का वीडियो तो नहीं बनाया जाता, जो कि इंस्टेंट लूट होता है, वो हम लोग यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो चैनल का जुड़ना मत भूलना, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, जुड़ जाना, ठीक है। तो जाओ गाइस, ज्वाइन हो जाओ हमारे टेलीग्राम चैनल, बहुत कुछ लूट का वीडियो जो कि इंस्टेंट होते हैं, हम लोग अपडेट करते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पर। इस वीडियो का जो मेन मुद्दा है कि बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में कैसे BNB हो या कोई भी फंड कैसे ट्रांसफ़र किया जा सकता है, खास करके BNB, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। ये वाला स्मार्ट चेन है या फिर BNB, कौन सा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए मैं वो लाइव करके दिखाता हूँ आपको इंस्टेंटली। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, ये है कॉइनसेज एप्लीकेशन। अगर आप BNB खरीदना चाहते हो, कैसे खरीदोगे कि नहीं करोगे, वो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। आप वीडियो को थोड़ा स्किप कर सकते हो, जैसे कि मार्केट में जाना, मार्केट में जाने के बाद कोई भी एक टोकन खरीद लेना। मैं यहाँ पे जील खरीद लेता हूँ, जैसे मैंने खरीद लिया था जील, जील पे ओके करना। ओके करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको पैसा यहाँ पे ऐड कर लेना है, UPI सेवा जैसे भी है। फिर उसके बाद जील को बाय कर लेना, बाय करने के बाद यहाँ से 100% कर देना जो भी पैसा हो। फिर प्रीव्यू बाय पे ओके करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जील खरीद लेना है। खरीद लेने के बाद आपको जैसे जील का टोकन खरीद लेते हो या फिर कोई भी टोकन खरीद लेते हो, उसके बाद यहाँ पे कॉर्नर का ये जो ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे, यहाँ से आपको विड्रॉ करना है, बाइनेंस का एड्रेस दे देना है। मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो ये है वो बाइनेंस का एप्लीकेशन। बाइनेंस का एप्लीकेशन आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे वॉलेट पे जाना है। वॉलेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आपको डिपॉजिट पे क्लिक करना है। जैसे डिपॉजिट पे क्लिक करते हो, आपको ऊपर सर्च कर लेना है जिल, JIL जिल सर्च कर लेते हो। उसके बाद जिल पे ओके करना है। फिर जिल पे ओके करने के बाद आपको यही वाला सेलेक्ट कर लेना है, जिल का ये वाला एड्रेस, ठीक है। ये BEP20 नहीं, ये वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से जाना है ये कॉइनसेज एप्लीकेशन में। कॉइनसेज एप्लीकेशन में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है वो एड्रेस। फिर यहाँ पे आपको जैसे पेस्ट कर देते हो, यहाँ पे आपको ऑल कर देना है, जितना सारा मैंने ऑल करना है। पेस्ट करने के बाद वो एड्रेस नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट कर देते हो, आपको कंफर्म कर देना है। जैसे कंफर्म कर देते हो, आप कुछ ही सेकंड के अंदर बाइनेंस पे आपका ये जील टोकन यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। जैसे वॉलेट में जील टोकन आपका आ जाता है, इसको आप क्या कर सकते हो, जैसे जील टोकन आ जाते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हो स्पॉट पे जाने के बाद कन्वर्ट स्मॉल एसेट टू बाइनेंस, कन्वर्ट स्मॉल एसेट टू BNB में लिखा हुआ ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिखाई, इसमें से जील जो होगा ना, जील को ऐसे टिक मार मारने के बाद यहाँ पे कन्वर्ट पे क्लिक कर देना। जैसे कन्वर्ट पे क्लिक कर देते हो, इंस्टेंटली कन्वर्ट हो जाएगा BNB में। फिर BNB में आपका ये ऐसा बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा दिख रहा है BNB पे इतना सारा अमाउंट दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी मेन प्रोसेस, जो कि आप वीडियो स्किप कर चुके तो जो बंदा जानता था ये, तो आपके लिए क्या, आपको इस BNB को कैसे ट्रस्ट वॉलेट पे ट्रांसफ़र करना है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको ट्रस्ट वॉलेट ऐप में चला जाना है। कॉइनसेज को हम क्लोज कर देते हैं। ट्रस्ट वॉलेट ऐप में आने के बाद यहाँ से हम कोई भी फंड आप इसी तरह ले सकते हो, लेकिन ये मैं एग्जाम्पल के द्वारा बता देता हूँ। BNB की स्मार्ट चेट वाला करना है, ठीक है। ये क्योंकि इसका फी बहुत ही कम है। स्मार्ट चेट पर ओके करेंगे, फिर यहाँ पर रिसिप कॉपी करेंगे या एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। रिसिप कलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लेंगे इसका एड्रेस, और वो एड्रेस ट्रस्ट वॉलेट से कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप वॉलेट पे आएंगे, बाइनेंस पे। बाइनेंस के वॉलेट पे आने के बाद यहाँ पे विड्रॉ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप BNB के क्लिक करेंगे। BNB पे क्लिक करने के बाद आपको वाला एड्रेस यहाँ पे पेस्ट कर देना। जैसे आप एड्रेस वहाँ पे पेस्ट कर देते हो, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये BEP20 एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको BEP20 ऑटोमेटिक ले लेंगे यहाँ पे, आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे मैक्स कर देना है, या फिर जितना अमाउंट चाहते हो उतना कर देना है। फिर इसके बाद विड्रॉ पे क्लिक कर देना है, ओके। या फिर आप मैक्स कर सकते हो, या फिर मैनुअली एंटर कर सकते हो जितना चाहोगे। फिर उसके बाद विड्रॉ पे क्लिक कर देना है, और जिसका जो मिनिमम जो विड्रॉल अमाउंट है वो 0.01 BNB दिख रहा है, यहाँ पे मैक्स पे जैसे कर लेते हो ना, उसके बाद विड्रॉ पे क्लिक कर देना। उसके बाद आपको OTP आएगा ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे, और ऑथेंटिकेशन कोड पे ईमेल के द्वारा देना है। उसके बाद जैसे ही आप ये सक्सेस हो जाते हैं, उसके बाद आपको विड्रॉ कर लेना। जैसे विड्रॉ हो जाता है, ये आपका ट्रस्ट वॉलेट के फंड पे यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप चेक कर सकते हो, ओके। तो इसी तरह विड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरह आप कोई भी फंड को बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हो, जैसे कि मैंने बताया। और कोई भी फंड ट्रस्ट वॉलेट्स में उसका उल्टा सेंड करके आप बाइनेंस पे ले सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, टेलीग्राम चैनल जोड़ना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।